हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं काफ़ी समय के बाद एक टैग वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जिसमें आपने टाइटल में देख लिया होगा मैं क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन का स्टोरेज कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपका 64 GB तो आप 128 GB बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 64 GB का आप पूरा यूज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास 32 GB है, 64 GB या 128 GB है, तो उसका आप पूरा यूज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सा स्पेस जो है वो मोबाइल अपने लिए बचा के रखता है या फिर मोबाइल यूज कर लेता है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वही टेक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप स्पेस कैसे कर सकते हैं अगर आपके में स्पेस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट की होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरी देखिए। तो चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन। दोस्तों, मोबाइल की स्पेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पर, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है स्टोरेज का ऑप्शन कहाँ पर है। स्टोरेज का ऑप्शन आपको ढूंढने पर मिल जाएगा, नहीं तो आप ऊपर ऐसे सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर्च करके आपको स्टोरेज अगर मिल गया है, तो स्टोरेज में आपको देखना है यहाँ पर अगर कैचे का ऑप्शन अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाता, तो आपको यहाँ से कैचे क्लियर कर देना। मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं दोस्तों, कैचे का ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, जो एंड्रॉयड 1 के मोबाइल हैं उनमें कैचे का ऑप्शन नहीं होता है, हर एक ऐप में जाकर कैचे क्लियर करना पड़ता है। अगर आपके में भी एंड्रॉयड 1 का है, तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो आप कैचे डायरेक्ट वहां से क्लियर कर सकते हैं। कैचे क्लीनर आपको सर्च करना है, यहाँ पर सी क्लीनर नाम से एक आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, जितनी भी परमिशन है वो आपको अलाउ कर देनी है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बेसिक वर्जन सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉन्टिन्यू एस फ्री पे क्लिक कर देना। दोस्तों, स्टार्ट हेयर पे क्लिक करते ही आपको जितनी भी परमिशन है वो यहाँ पर अलाउ कर देनी है। चलिए, मैं एक एक करके सब परमिशन अलाउ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अलाउ करने के बाद रन द स्कैन पर क्लिक करना है। रन द स्कैन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका स्टोरेज एनालाइजिंग होने लगेगा। दोस्तों, इसमें 1 मिनट का टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। एनालाइज करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर स्टार्ट क्लीनिंग पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट क्लीनिंग करने से पहले मैं आपको एक बार स्टोरेज फिर से चेक करा देता हूँ कि 83% यूज्ड है, और यहाँ क्लीनिंग करने के बाद कितना बचता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी टाइप का कैचे है वो आपको टिक कर देना है, ऐप डेटा पर भी क्लिक कर देना है। दोस्तों, तो अगर आप ऐप डेटा पर नहीं चाहते हैं, तब भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐप डेटा का जो मतलब है कि ऐप का जो कैचे है वो क्लियर होगा, ना कि आपके ऐप का पूरा डेटा चला जाएगा। तो चलो, ये दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लिक कर ही लेता हूँ। देखिए, आप फिनिश क्लीनिंग का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इसमें कुछ टाइम आपको लग जाएगा, इसलिए आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 19 GB फ्री हो गया है। तो एक बार फिर से मैं आपको स्टोरेज चेक करा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप 69% यूज्ड आपको दिख रहा होगा, और 44 GB फ्री दिख रहा होगा। पहले 82% था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।